हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मेथी ऑरिगेनो नाचो चिप्स। मोस्टली हम इनको प्लेन बनाते हैं, लेकिन आज मैं इनमें फ्लेवर दे रही हूँ ऑरिगेनो और मेथी के साथ। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमको इसके लिए चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है 3/4 कप मक्का का आटा, 2 से 3 टेबल स्पून गेहूँ का आटा, 2 चम्मच ऑयल में डालूंगी डो लगाने के लिए, और आधा चम्मच ऑरिगेनो यूज़ करूंगी मैं। आप किसी भी ब्रांड का मार्केट से परचेज कर सकते हैं। 1 चम्मच सूखी मेथी है, ये देखिए ये मेथी सूखी है। मेथी को मैंने सुखाकर और इस तरीके से क्रश कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ड्राई यूज़ कर रही हूँ। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच अजवाइन। इन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से हमको रेसिपी तैयार कर। तो सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे इसके लिए। तो ये मैंने मक्का का आटा इसमें डाल दिया, गेहूं का आटा भी इसमें मिला दिया मैंने, ये मेथी डाल दिया सूखा, ऑरिगेनो भी डाल देंगे थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अजवाइन और नमक। सारी ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। और अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल, इसको भी ऑयल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी इसमें, एक साथ बहुत सारा पानी ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें डालें। ये डो बनकर हमारा तैयार है इस तरीके से, और इसे 5 मिनट के लिए अब हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और इतने हम कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेते हैं। डो को रेस्ट किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और ये पोर्शन मैंने आटे में से लिया है अलग, और इस तरीके से इसका बॉल बना लिया और सूखे आटे से इसको डस्ट कर लिया है। और अब हम इसको रोल करना स्टार्ट करते हैं। और ये जो इसके किनारे आ रहे हैं, ये बहुत फटे फटे आ रहे हैं, तो हम इनको निकाल देंगे इस तरह से कट करके। इनको उठा के मैं दोबारा से डो के साथ मिला लूँगी और फिर से यूज़ कर लेंगे हम इनको। और इसे फोक की हेल्प से मैं इसमें पूरे में इस तरीके से छेद बना लूँगी, ताकि ये कढ़ाई में जाने के बाद फूले ना। और अब इन्हें हम अपने मनपसंद शेप्स में कट कर सकते हैं। मोस्टली जो नाचोस होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप लिए हुए होते हैं, तो मैं भी ट्रायंगुलर शेप ही यहाँ पर बना रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैं इनको प्लेट में रख दूंगी सबको उठा के। और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है इस तरीके से। और ये देखिए मैंने थोड़े से नाचो चिप्स भी बनाकर तैयार कर लिए हैं, और अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। इतने ये फ्राई होंगे, इतने में बाकी के भी बनाकर तैयार कर लूँ। और एक एक करके मैंने सारे नाचो चिप्स फ्राई होने के लिए छोड़ दिए हैं, और इस टाइम मैंने जो फ्लेम है वो मीडियम हाई किया हुआ है। और इसी तरीके से इनको अलग पलट करके जब तक अच्छे क्रिस्प सिक नहीं जाते, तब तक हम इनको इसी तरह से फ्राई करेंगे। एक तरफ से थोड़ा सिक चुके हैं, तो मैं इनको पलट देती हूँ दूसरी तरफ से। ये बहुत अच्छे क्रिस्प एकदम सिक चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया है, तो अब मैं इन्हें कढ़ाई में से निकाल लूँगी। मैंने एक प्लेट में किचन टावल लगा लिया है और उस पर मैं इनको निकाल लूँगी। और ये देखिए नाचो चिप्स बनकर रेडी हैं, और आप इनको किसी भी डिप के साथ या कैचअप के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इनको एज अ स्नैक्स कभी भी सर्व कर सकते हैं, या पार्टी स्टार्टर में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।